हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन आर्मी यू मे नॉट नो। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि इंडियन आर्मी हमारे कंट्री के बॉर्डर्स को गार्ड करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो आइए इंडियन आर्मी और उनके बहादुर सोल्जर्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन और हिस्ट्री की बात करते हैं। ओरिजिन इसका हुआ था 1895 में, जब बंगाल, मुंबई और मद्रास की आर्मीज को इंडियन आर्मी बनाने के लिए मर्ज कर दिया गया था। इंडियन आर्मी ने 1947 में एक बड़ा बदलाव देखा, जब ब्रिटिश इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया गया था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी को दो न्यू कंट्रीज के बीच डिवाइड किया गया था, जब 10 में से 4 गोरखा रेजिमेंट को ब्रिटिश को ट्रांसफर कर दिया गया था। असम राइफल्स 1835 में फॉर्म हुआ था, जो ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स थी कंट्री की। वैसे इंडियन आर्मी ने चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट किया, पर लेकिन उन्होंने पास्ट को पूरी तरह से त्याग नहीं दिया है। द 61st कैवलरी प्रोबेबली अकेली हॉर्स रेजिमेंट है पूरे वर्ल्ड में आज। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिसिंग के लिए इसे सर्विस में दबाया जा सकता है, अगर सिचुएशन वैसी डिमांड करे तो। 1971 इंडो पाक वॉर के टाइम माउंटेड पेट्रोलिंग का काम द 61st कैवलरी ने लिया था। इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस आर्म, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, उसको फॉर्म 1941 में किया गया था। ये क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस में डील करता है और करप्शन की जांच करता है। अब बात करते हैं वॉर्स फॉट। आर्मी ने 4 मेजर वॉर्स पाकिस्तान के साथ लड़े हैं, 1947 टू 1948 में, 1965 में, 1971 और 1999 में। सारी वॉर्स में इंडियन सोल्जर्स ने एनमी को बे पे रखा और कंट्री की सॉवरेनिटी इंटैक्ट रखी। हालांकि इनमें से सबसे वेल नोन बैटल ऑफ लोंगेवाला है, जो दिसंबर 1971 में लड़ी थी। वॉर के इस फैक्ट को अच्छी तरह से याद किया जाता है कि सिर्फ 120 सोल्जर्स ने 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स की बढ़त को रोक दिया था। बैटल पूरी रात लड़ी गई और जब इंडियन एयरफोर्स ने आसमान से आग बरसाई तब पाकिस्तान सोल्जर्स भाग गए। उन्होंने 34 टैंक्स पीछे छोड़ दिए। पोर्चुगीज 400 से भी ज्यादा ईयर्स से गोवा पर रूल कर रहे थे। 1947 में जब ब्रिटिश ने इंडिया पर से अपना कंट्रोल छोड़ दिया तब पोर्चुगीज ने ऐसा करने से मना कर दिया। दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से पोर्चुगीज का रूल इंडिया में खत्म हो गया था और गोवा, दमन और दीव को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। इंडिया के सबसे बड़े किंगडम्स में से एक हैदराबाद ने इंडियन यूनियन में शामिल होने से मना कर दिया था। सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया, जो सक्सेसफुल प्रूव हुआ। ये ऑपरेशन जो 5 दिन तक चला और 32 कैजुअलिटीज इंडिया की साइड में विटनेस किए गए और 3500 एनमी साइड विटनेस किए गए, जिसकी वजह से हैदराबाद की प्रिंसली स्टेट की इंटीग्रेशन इंडिया में हुई। कारगिल वॉर जो 1999 में हुई थी, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया की। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान ट्रूप्स और मिलिटेंट्स द्वारा इन्फिल्ट्रेट किए गए काफी पोजीशंस को रीकैप्चर किया। ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि 3000 मुजाहिदीन और 700 पाकिस्तान ट्रूप्स मार गिरा दिए गए। अब आपको कुछ मिसलेनियस चीजों के बारे में बताता हूँ। बेली ब्रिज, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, वो इंडियन आर्मी द्वारा 1982 में बनाया गया था। ब्रिज लद्दाख वैली में दरस रिवर और सुरू रिवर के बीच में लोकेट करता है। परमवीर चक्रा PVC इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ये अवार्ड हाईएस्ट डिग्री ऑफ वैलर एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द एनमी के बेसिस पे दिया जाता है। अभी तक ये मेडल 21 टाइम्स अवार्ड किया गया है, जिसमें 14 पोस्थ्यूमस अवार्ड थे। 1950 से 1953 तक कोरियन वॉर के टाइम इंडियन आर्मी ने एक पीस मेकर का रोल भी प्ले किया है। इन्होंने यूनियन ट्रूप्स के लिए एड भेजी और सोल्जर्स को पीस कीपिंग के लिए भेजा गया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी के फ्लैग के बैकग्राउंड में रेड है, इंडियन ट्राइकलर टॉप लेफ्ट पे प्लेस किया है और नेशनल एम्ब्लेम और सॉर्ड राइट पे। इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक करिए और अगर आपके पास कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। आप सबको बेस्ट ऑफ लक।